और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मनुस्मृति पुस्तक पर प्रतिबंध लगवाने की बात कही है। उन्होंने मोहन भागवत चीफ को चुनौती देते हुए कहा है कि मोहन भागवत इस पर प्रतिबंध लगवाएं। समाजवादी पार्टी सपा के विधान परिषद सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने वर्ण और जाति की अवधारणाओं में पूरी तरह से त्यागने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के हाल के बयान की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि अगर भागवत में साहस है तो वह जातिवाद का जहर घोलने वाली पुस्तक मनुस्मृति पर प्रतिबंध लगाए। आपको बता दें कि मौर्य ने शब्द पूर्णिमा बौद्ध तीर्थ स्थली शंखिका पहुंचकर एक सभा में भागवत के बयान की प्रशंसा की थी। हालांकि उन्होंने RSS प्रमुख को यह चुनौती भी दी है कि अगर उनमें हिम्मत हो तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्रियों से कहकर जातिवाद का जहर घोलने वाली पुस्तक मनुस्मृति पर प्रतिबंध लगाएं। गौरतलब है कि भागवत ने शुक्रवार को नागपुर में एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कहा था कि वर्ण और जाति जैसी अवधारणाओं को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए क्योंकि इन सब में कोई प्रशंसिता नहीं है। संघ प्रमुख ने यह भी कहा था कि अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों को स्वीकार करने और उसके लिए माफी मांगने में कोई संकोच नहीं है। एक बार मायावती भी मनुस्मृति की मुखर आलोचक रही हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी बसपा के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। इस पार्टी की मुखिया मनुस्मृति की मुखर आलोचक रही हैं। मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी पर पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर और अन्य कर्मचारियों की भर्ती में एक भी पिछड़ा या दलित व्यक्ति की नौकरी नहीं दी गई। आरक्षण खत्म कर संविदा की नौकरी के नाम पर नौजवानों का शोषण करवाकर बिचौलियों को फायदा पहुंचाने की बात कही है। वह लगातार भाजपा सरकार के नुमाइंदों और भाजपा सरकार के बड़े पदों पर बैठे लोगों पर आलोचना करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि RSS प्रमुख में अगर दम है तो मनुस्मृति पर रोक लगाई जाए और सभी राज्यों में जहां पे भाजपा की सरकार है उन पर भी एक आदेश जारी करें जिससे जातिवाद का ये खेल ही खत्म कर दिया जाए।